श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो भूस, आज आपसे रूबरू एक प्रश्न के साथ होना चाहता हूं। साथियों, मैं कई बार ये सोचता हूं कि आज आदमी जितना विकसित हो गया है, जितनी धन संपदा का मालिक हो गया है, जितनी शिक्षा उसकी बढ़ गई है, इन सब बातों का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, क्या प्राप्त करता है? तो मुझे ये उत्तर मिलता है कि हम समाज में एक बहुत सौम्यपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो संबंध हैं, वो इतने समन्वयपूर्ण रहें कि हमें लगे कि किसी जन्नत या किसी स्वर्ग में जाने की कामना लेके हम ना जीते रहें, बल्कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसी को इतना मधुर, इतना मीठा बना लें कि हमें लगे कि जीवन का क्या मजा है, क्या स्वाद है। लेकिन साथियों, हो उलट रहा है। आज संबंधों में ऐसी कटुता, ऐसा वैमनस्य पैदा हुआ है कि जो पति पत्नी साथ भी रह रहे हैं उनमें भी बहुत दूरियां नजर आती हैं। मैं अक्सर एक शेर पढ़ा करता हूं कि ये जो हजारों पेड़ कतारों में खड़े नजर आते हैं, अगर इनको पास से देखो तो इनमें भी फासले बहुत हैं। तो साथियों, इन फासलों की वजह क्या है? आज इस संवेदनशील विषय पर बात करने के लिए मेरे पास मैडम प्रीति शर्मा, जो कि एक स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और जीवन के अनुभव को बहुत हिस्सों में हासिल कर चुकी हैं, विदेशों में भी जाती रही हैं, बिजनेस भी करती रही हैं और आज ये लोगों को बहुत ढंग से हील करती हैं। इनका भी मकसद ये है कि लोगों के जीवन में संबंधों के खातिर जो अंधेरे छाए हुए हैं उनको दूर किया जाए। अक्सर बात करते करते मुझसे ये सहमत होती हैं जब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ जागने की बहुत ज़रूरत है और फिर जागने से ही यहाँ बोध मिलता है, वरना खुद से कहाँ योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। तो आज मैडम प्रीति, हमें इस रोग से दूर रहने के क्या उपाय हैं, क्या बातचीत है, उसके बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ मीनाक्षी जी भी बैठी हैं, जो बीच बीच में अपने प्रश्नों द्वारा अपनी ऑब्जर्वेशंस को दे के इस बातचीत को, इस वार्तालाप को और संजीव करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मैडम प्रीति का स्वागत करते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आज के जो मानव रिलेशनशिप हैं उनके ऊपर अपने विचार रखिए। जी नमस्कार, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, रेडियो ब्रूस का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को, सभी दर्शकों को
कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनको ब्रेक भी करना चाहूंगी। यस। और रिश्तों को कैसे मिठास के साथ आगे निभाया जा सकता है, कुछ रिश्तों में छोटी छोटी बातों की वजह से रिश्ते बिगड़ जाते हैं और हम महसूस करते हैं मे बी आफ्टर वन मंथ, आफ्टर वन ईयर और 10 ईयर कि उस छोटी सी गलती को अगर मैं नज़रअंदाज कर देता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। और कमियाँ हम सब में होती हैं, नो बडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं परफेक्शन। परफेक्शन एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन परफेक्शन हर आदमी के अंदर हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। और मैं समझती हूँ कि ये उम्र कम है हमारी, हमें ज्ञान जितना चाहिए, जो हम पाना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, और वो तभी पा सकते हैं अगर हमारे रिश्तों में सबसे पहले हमारे जो फैमिली रिलेशनशिप है, जो हमारा सोसाइटी है, हमारा रिश्ता सबके साथ अगर अच्छा है, मन शांत है, तो हम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को बहुत ही एक हल्केपन से आगे ले जा सकते हैं। और आज के समय में मेरे पास एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं फॉर डिप्रेशन और डाइवोर्स। यस। रीज़न क्या है, डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं, दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी क्यों नहीं हो रही, जो रिश्ता 6 साल 5 साल एक लिव इन रिलेशनशिप या एक जिसे हम बोलते हैं अफेयर चल रहा है, प्रेम का रिश्ता है, वो प्रेम शादी के हनीमून के बाद कहाँ चला जाता है। ठीक। तो वो जो रिश्ता बिगड़ता है उसके रीजंस क्या हैं, और जब रिश्ता टूटता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में जाने से हम मेडिसन्स खानी शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन का जो मकसद है वो बिल्कुल पीछे रह जाता है। ठीक। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो डिप्रेशन, ये जो ब्रेकअप, ये जो डाइवोर्स हो रहे हैं, इनको हम कैसे रोक सकते हैं, और मैं रोकने की कोशिश करती हूँ और मैं रोक पाती हूँ जो मेरे पास आते हैं, उसका बेस है अध्यात्म, उसका बेस है स्पिरिचुअलिज्म। ओके। जब मैं उन दोनों के साथ बैठ के काउंसलिंग करती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आई, तो कुछ लोग बोलते हैं हमने अपने ग्रह भी मिलवाए थे, गुण भी मिलते थे, लेकिन शादी के बाद हमारे बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमारे विचारों की लड़ाई और बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी हमारा रिश्ता ठीक नहीं चलता। ठीक। और कमी कहाँ है, पहले मैं दोनों को सुनती हूँ, अलग अलग सुनती हूँ कि दोनों के मन में क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी कंप्लेन, गिला, शिकवा चल रहा है जो आज से 3 महीने पहले नहीं था। जैसे ही शादी हुई वो कंप्लेंट शुरू हो गई। शादी से पहले जो रोजी पिक्चर थी, जो सपने थे, जो तारों पे जाने के लिए, वो सब कैसे धूमिल हो गए। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, एक तो हम लोग जैसे जैसे इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हम विकसित तो हो रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग विकसित नहीं हो रहा। हम चाहते हैं हम इंडिपेंडेंट हो जाए, किस तरह से, क्या सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना सफिशिएंट है, ऐसा नहीं होता। हमें इंडिपेंडेंट बनना है और अपने परिवार को इंडिपेंडेंट बनाना है तो सबसे पहले अपना स्पिरिचुअल लेवल बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक। शादी करने से पहले, कोई भी रिलेशनशिप में आने से पहले, चाहे वो बिजनेस में पार्टनरशिप है, चाहे हमारा लाइफ पार्टनर है, चाहे हमारे बच्चों के साथ है, माता पिता के साथ है, हर रिलेशन में एक आपको बीच में थोड़ा सा ऐसा जिसे बोलेंगे कि बैलेंस करने की ज़रूरत होती है कि हम इस रिश्ते को अच्छा कैसे करें। और जब हम दोनों के अंदर एक फीलिंग आएगी कि मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम का मीनिंग होता है देना और प्यार का मीनिंग होता है वासना, तो अगर हम ये मीनिंग लेके चलते हैं कि मुझे तो देना है, तो मुझे उसमें सब खूबियाँ नजर आएंगी। ठीक है। और अगर मैं उस रिश्ते को खराब करना है तो मैं उसमें सारा दिन कमियाँ देखना शुरू कर दूंगा। राइट। जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम रिश्तों को निभाना चाहते हैं, सबसे पहले हम ये देखें कि हमें उसके अंदर अच्छाइयाँ क्या नज़र आ रही हैं। अगर 10 अच्छाइयाँ हैं, 2 गलत चीज़ें हैं, तो उनको भी प्यार से, उनको भी विद काउंसलिंग, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन पावर, हम उनको ठीक कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ टाइम नहीं है, समय नहीं है किसी के पास भी एक दूसरे की पूरी बात सुनने का। आधी बात होती है, हम एज्यूम कर लेते हैं ये कहना चाहता है। यस। तो हमें उसको पूरा सुनना चाहिए, उस बात को उसके पक्ष में रख के सोचना चाहिए, अपने पक्ष में रख के सोचना चाहिए कि ये चाहता क्या है या ये चाहती क्या है। फिर उसको बैलेंस करने के लिए आपस में जो हमारे बेडरूम की बात है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो हम किसी को शोर नहीं मचाते, लेकिन जब झगड़ा करते हैं तो हम शोर मचा देते हैं। ऐसा क्यों,
लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होता है. तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को पहले सब कुछ डिसीजन लेने से पहले इनको सोचना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए. फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है, चाहे उसमें रिश्ता ख़राब होने के लिए हमारे कई बार परिवार के सदस्य होते हैं, उनकी वजह से होता है, सोसाइटी की वजह से होता है, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि उनको भी अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए ज़रूर अच्छे कंसल्टेंट से मिलना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए. सबसे पहले खुद आपस में करो कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं. डिसीज़न हमारा है, हमने पेरेंट्स का तो माना ही नहीं, हमने खुद डिसीज़न लिया है. अब यहाँ अगर आपकी रिलेशनशिप फिर भी ब्रेक हो रही है, तो मैं समझती हूँ कंसल्टेंट, स्पिरिचुअल लेवल, ये दोनों चीज़ें आपके रिश्ते को बचा सकती हैं. ठीक. सेकेंड पोजिशन आती है कि ब्रेकअप हो गया तो आप डिप्रेशन में चले गए. तो डिप्रेशन में क्यों गए? जब आपका स्पिरिचुअली लेवल बहुत ही वीक है. यस. आपका दिमाग इतना कमज़ोर है कि आप उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाए. जो इंसान इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर और अपने रिलेशन को लेकर डिप्रेशन में जाता है, मेरे पास दो केस आए, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे गवर्नमेंट में, एक IAS ऑफिसर थे और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी. ठीक. कुछ समय बाद मुझे पता लगा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया. और रीज़न क्या था? किसी से उनको प्रेम हुआ और उसके बाद वो रिश्ता नहीं निभा, वो चली गई मैडम जिनके साथ उनका रिश्ता था, और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो चले गए. उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा कि मैं इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, मेरा टैलेंट, मेरी काबिलियत क्या है. लेकिन उसने उस छोटे से प्रॉब्लम की वजह से, आपस में जहाँ विचार नहीं मिलते, जहाँ उनके पार्टनर को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सुसाइड कर लिया. तो यहाँ पे कमी आती है हमारे आपस में अंडरस्टैंडिंग की, कम्युनिकेशन की. अगर हम उन बातों को समझें, सोचें, तो मैं समझती हूँ कि डाइवोर्स को हम रोक सकते हैं जी, डिप्रेशन को हम रोक सकते हैं विद द काउंसलिंग. और हम बच्चों को भी देखते हैं कि बच्चे आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च हुई है उसमें यही आया कि डिप्रेशन का कारण क्या है. अगर डिप्रेशन हो रहा है बच्चों को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संगत ऐसी मिल गई है, कहीं ना कोई ऐसा साथी मिल गया है जिसकी वजह से उसका दिल दिमाग राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा. तो उनको हमें सलाह देनी है कि आप लोग ज़रूर अच्छे कंसल्टेंट से मिलिए, थोड़ा ज्ञान को बढ़ाइए, बुद्धिज्म की तरफ जाइए या किसी भी धर्म की तरफ. थोड़ा सा आप अपना ध्यान जो है परमात्मा की तरफ लगाएं. जब आप परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े तूफान भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं और वो चले जाते हैं और हम हिल नहीं पाते. उसका रीज़न यही है कि हमारा परमात्मा के साथ एक कनेक्शन अच्छा बना हुआ है, जो हमें संभाल लेता है और हमारे मन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोई बात नहीं, ये चला गया तो कोई नहीं, इसके जाने से जीवन नहीं ख़त्म होगा, मेरी ज़िंदगी की प्रोग्रेस नहीं ख़त्म होगी. ठीक जी, तो मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगी. मीनाक्षी जी, आपने अभी प्रीति जी को सुना, अपने आसपास ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हुए जहाँ विवाह के 4 महीने में 3 महीने में डाइवोर्स हो रहे हैं, ऐसे भी हैं जहाँ 14 साल के वैवाहिक जीवन के बाद भी डाइवोर्स हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें हैं जो अड़चन बन जाती हैं और आदमी एक दूसरे के साथ बहुत फासले के साथ रहना चाहता है और दूर हो जाता है, उससे संबंधित कोई भी बात आप जानना चाहेंगी मैडम प्रीति से? हाँ जी, जैसे अभी बहुत अच्छा और बहुत जागरूक ये विषय है. यस yes. और मेरे भी आसपास, मैंने भी खुद ही बहुत नज़दीक में देखा है कि प्रेम विवाह हुए हैं और एक महीने के अंदर अंदर वो बुखार उतर गए. बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ शादी पे, बहुत ज़्यादा दिखावा, हर चीज़, कितने कितने फंक्शंस अगर आज हम देखें तो कितना कुछ लोग yes. अपना प्री वेडिंग शूट करवाते हैं exactly. और इतना कुछ, और वो एक महीने के अंदर अंदर मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया रिश्ता. तो अभी जैसे मैं प्रीति जी बता रही थी, तो मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरी भी बिटिया कॉलेज में है और अगर मैं जैसे कल को वो भी हो सकता है, आजकल बच्चे को प्रेम हो जाता है और माँ बाप भी, जैसे मैं भी एज मदर छूट देती हूँ कि अगर आपको कोई अच्छा है तो ठीक है. तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसे क्या टिप्स दें कि ऐसा कुछ हो जाए विवाह के बाद
मतलब वो नौबत ही ना आए, पहले ही क्यों ना कुछ ऐसे काउंसलिंग हो जाए कि बच्चे सशक्त हो जाए, मजबूत हो जाए, क्योंकि अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आता है जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको सब कुछ रेडीमेड घर में मिल रहा है, लेकिन जब आपको एकदम शादी के बाद जब आप आते हैं और आपके सर पे इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो पहले ही क्यों ना कुछ ऐसा बच्चों को समझाया जाए। जी यस प्रीति जी, जो प्रश्न मीनाक्षी जी ने किया जी, मैं समझता हूँ आपको सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं जी, उन सब के भी यही प्रश्न होंगे अगर वो हमारे रूबरू आ जाएं जी, तो आप ये मान के चलें कि दिस इज ए $100 क्वेश्चन आस्क बाई ए सिंगल पर्सन, बट इट एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ सो मैनी लिसनर्स, सो प्लीज आंसर। देखिए ऐसा है मैम, आपने एक शब्द बोला कि मैं अपनी बेटी के लिए चाहूंगी कि कोई बहुत अच्छा लड़का मिल जाए, पति मिल जाए। अच्छे की डेफिनेशन क्या होती है, हम इस बात पे बताना चाहूंगी मैं आपको डेफिनेशन। और पहले शादी से पहले, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, हमें उनको सबसे पहले तो उनका बेस स्ट्रांग करना चाहिए, थोड़ा सा उनको ऐसी लगन लगानी चाहिए कि वो सुबह उठ के एटलीस्ट 10 मिनट परमात्मा का ध्यान करें, yes. जो कि बहुत ज़रूरी है। और जब हमारा किसी से प्रेम होता है तो हम कुछ मिलाते नहीं हैं, कोई हम ये नहीं देखते कि इसके ग्रह मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हाँ ये लड़का फाइनेंशली अच्छा है तो इसलिए इसकी शादी कर दो। आज लोग सिर्फ फाइनेंस देखते हैं, लोग ये भी नहीं देखते कि इसका बेटर, इसका पास चेक करो कि इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। नहीं, प्रेम हो गया चाहे वो, कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को मानते हैं कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, कोई इंसान बुरा नहीं होता। एक बड़ी अच्छी कहावत है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पे आए तो हर इंसान बुरा है। क्या बात, तो कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसकी सिचुएशंस, उसके हालात। जब हम शादी करते हैं तो हम बच्चों की काउंसलिंग करें कि ये जो पीरियड चल रहा है जहाँ सब कुछ आपको बहुत रोजी पिक्चर नज़र आ रही है, बट शादी के हनीमून के बाद रियल लाइफ ये होगी, ये काउंसलिंग है। प्लस उनके एस्ट्रो चार्ट में देखना चाहिए कि सिर्फ गुण मिलते हैं या ग्रह भी मिलते हैं। अगर ग्रह नहीं मिलते हैं, अगर उनका 7th हाउस डिस्टर्ब है, तो 100% डाइवोर्स होगा, क्योंकि शादी के बाद दो इंसान नहीं मिलते, दो प्लैनेट भी मिलते हैं, जिसको मिलवाना बहुत ज़रूरी है। जो मैं जब चेक करती हूँ किसी की होरोस्कोप, तो मुझे लोग बोलते हैं जी 28 गुण मिलते हैं। 28 गुण या 36 गुण की बात नहीं है, बात है दोनों की कंपैटिबिलिटी, दोनों के प्लैनेट्स मिल रहे हैं, दोनों का बेस क्या है। क्या सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेना ही बच्चों का बेस होता है? बिल्कुल नहीं होता। किसी भी स्कूल के साथ साथ बच्चों को जो घर में हम शिक्षा देते हैं कि सुबह उठ के एक आप इस तरह से भगवान के शरण में जाओ, 10 मिनट 15 मिनट कुछ ऐसी उनकी आदत डाल दीजिए। और मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर पेरेंट्स घर में या बड़े घर में कोई एक ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई एक होली बुक पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारे बच्चे धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं। वो मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, वहाँ भी सेवा करते हैं, तो उनका जो मन है वो शुद्धता की तरफ आ जाएगा, वो कंपैरिजन की तरफ नहीं आएगा। तो किसी भी रिश्ते में हमें कंपैरिजन नहीं करना, सबसे पहली चीज़ ये है। जब हम कंपैरिजन करते हैं कि मेरा हस्बैंड तो इतना करता है, मेरी वाइफ इतना करती है, तो सबसे पहले वहीं पर हमारे बीच में झगड़े का एक बीज डल जाता है। तो कभी बच्चों को ये मत सिखाइए कि आज आप किसी रिश्ते में जा रहे हैं, किसी भी रिलेशनशिप में, वो बहु बेटा भी हो सकते हैं, हमारे मदर इन लॉ भी हो सकते हैं, फादर इन लॉ, हर रिश्ते को निभाने के लिए थोड़ा सा तो हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत है। इग्नोरेंस इज़ ए ब्लिस, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या हम इग्नोर करते हैं? आज हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं ड्राइव कर रही हूँ, मुझे ड्राइव करते हुए किसी ने ओवरटेक किया और हमने उसको गुस्से में देख लिया, क्यों देखा? मत देखो ना, उसको जाने दो अगर वो जा रहा है तो। अगर आपका मन शांत है, आपका मन शांत करने के लिए आपका स्पिरिचुअल लेवल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका मन शांत हो जाएगा तो आपके बच्चों की बुद्धि भी शांत होगी, वो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, चाहे डाइवोर्स है, चाहे ब्रेकअप है, चाहे डिप्रेशन है, उसमें आएंगे ही नहीं अगर उनको आपने शुरू से इस तरह की काउंसलिंग दी, उनकी बात को सुना। और कभी अपने बच्चों को वो कंफर्ट लेवल मत दे दो, उस जोन में मत लाओ कि तुम ही ठीक हो, सामने वाले को भी हमें सुनना पड़ेगा, हो सकता है हमारा बच्चा ही गलत जा रहा हो। तो जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्पिरिचुअल लेवल देंगे, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और वहाँ पर रिश्ते ब्रेक नहीं होते,
एडजस्ट करना सिखाना पड़ता है। कोई अत्याचार हो रहा है तो मैं चाहती हूँ कि ज़रूर आप आवाज़ उठाइए कि हमारे बच्चे के साथ कुछ नाजायज़ हो रहा है, लेकिन अगर 10-20% छोटी छोटी बातें हैं, अगर मुझे आज चाय बनानी पड़ गई, काम करना पड़ गया, और इसके लिए हम डोमिनेट करें, नहीं जी मैं भी वर्किंग हूँ, आप भी वर्किंग हूँ, आप बनाओ, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए। बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि बेटी ने नहीं बनाई, बेटे ने बना दिया, ये सिखाना पड़ेगा। और बेटी और बेटे की जो अपब्रिंगिंग है उसमें दोनों को हमें ये सिखाना है कि सिर्फ ये नहीं कि मेरी बेटी को ही आना चाहिए चाय बनानी, बेटे को भी आना चाहिए। तो जब ऐसा होगा मैं मानती हूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और कम आएंगी। जी तो मैडम प्रीति, आप जो बात कह रहे हैं देखिए सुनने में बड़ा सहज लग रहा है जी, और जिनकी तो स्मूथ ढंग से ज़िंदगी गुजर जाती है उनके लिए जो बातें आपने कही हैं ये 100% सच साबित होती हैं, लेकिन जो पेच जहाँ फंसता है जी, वो वहाँ फंसता है जहाँ पर दोनों तरफ से ईगो क्लैश करते हैं जी, और वो क्लैश किसी भी बात पे कर सकते हैं, नौकरी करने पर, नौकरी ना करने पर, चाय बनाने पर, चाय ना बनाने पर, माँ बाप की सेवा करने पर, ना करने पर, और इस बात पर वो लड़का जो सारी उम्र चाहे स्वयं माँ बाप के लिए कोई ऐसी बात ना करता हो जहाँ उसका अपना ईगो डिसॉल्व होता हो, वो बात वो अपनी पत्नी से करवाना चाहता है। सवाल जो जंग आकर लड़ा जाता है वो इस तरह की परिस्थितियों में आके लड़ा जाता है। तो मेरा ये मानना है और प्रश्न भी है कि ये जो ईगो का क्लैश है ये सबसे बड़ा वैमनस्य पूर्ण फैक्टर है जो आम तौर पर हस्बैंड वाइफ के बीच में आ जाता है। उसकी वजहें कई हो सकती हैं, कई कारण बन सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ आप और थोड़ा प्रकाश डालें जी। ईगो क्यों आती है जी? सबसे पहले सवाल ये है, ईगो yes. क्यों आती है yes. आज से 20 साल पीछे चले जाएं अगर हम तो आपको कम लड़कियां मिलेंगी जो काम करती थी जी। अभी सब लड़कियों को राइट है और बहुत अच्छी बात है कि वो आगे बढ़ना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, ज़रूर करें, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट बनते हैं तो हम सोचते हैं कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, हस्बैंड के पैसों की ज़रूरत नहीं है, यस, तो मैं इसकी बात क्यों सुनूं। ठीक, वहाँ ईगो आ गई। अब मैं ऑफिस से आई हूँ, हस्बैंड भी ऑफिस से आए और उन्होंने बोला कि भाई मैं आया हूँ एक कप चाय बना लो, तो वाइफ ने कहा मैं भी ऑफिस से आई हूँ, मैं भी टायर्ड हूँ, तो तुम बना लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, Yes. एक सेकंड लगा दोनों के बीच में, ईगो आ गई कि मैं भी काम Yes. करती हूँ, तुम भी करते हो। तो यहाँ पे मैं समझती हूँ कि दोनों हस्बैंड वाइफ को Yes. एक अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए कि आज मैं थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ, तुम Right. बना लो, हाँ. कल तुम्हारी कभी तबीयत ठीक Exactly. है तो मैं बना लूँगा। Exactly. इसे हम एक कहते हैं कि आपस में बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप, और ये हमें बच्चों को अगर हम बचपन से आदत डाल देंगे yes. कि आप आके बाहर से पानी खुद उठा के पी लीजिए ग्लास में exactly. तो बच्चों को आदत बन जाएगी yes. लेकिन हम डालते नहीं हाँ. ये आदत हमने बेटों को डाली नहीं yes. Yes. तो हम इस चीज को ठीक करने के लिए मैं समझती हूँ कि जो आज बच्चे हम छोटे हैं अभी स्कूल में आजकल बहुत कुछ सिखा रहे हैं ऐसे बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया जाता है और एक ऐसा सब्जेक्ट है अभी मैंने छोटे से बच्चे को देखा कि उनको स्टिचिंग भी सिखाई जा रही है स्कूल्स में तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि कोई भी काम छोटा नहीं है कोई भी काम बड़ा नहीं है हम ऑफिस में काम करते हैं तो हम ऑफिस की तरह वहाँ जाके बिहेव जरूर करें yes. लेकिन अगर घर में है तो हम परिवार को परिवार की तरह लेके चलें yes. कि मेरे परिवार को मेरे माता पिता को मेरी वाइफ को या मेरे हस्बैंड को आज ज़रूरत है तो मैं उस समय आगे बढ़कर काम करूँ yes. तो मैं समझती हूँ जहाँ ईगो को हम डाउन करने की कोशिश करते हैं और मैं कहती हूँ ईगो क्यों हो जब परिवार मेरा है तो मुझे उसे आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट देनी चाहिए बिल्कुल ठीक चाहे मैं पत्नी हूँ चाहे मैं बेटी हूँ चाहे मैं पति हूँ तो जब मैं सपोर्ट दूंगी तो मेरा सबके लिए ये मैसेज है कि कभी आपस में कंपैरिजन मत करो
ईगो मत रखो, अगर एक आदमी नहीं ठीक तो दूसरा उठ के काम करे। आज लड़कियां कार चलाती हैं, शॉप चलाती हैं, ड्राइविंग भी कर रही हैं, ऑफिस भी चला रही हैं, घर भी चला रही हैं, तो हमारे जो पुरुष हैं जो उनको भी ये सीखना चाहिए कि अगर वो सारे काम कर सकते हैं तो हम भी सारे काम करना सीख लें, तो बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाएगी। देखिए मैम, जो बात आप कह रही हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिलेशनशिप का कितने फैक्टर्स असर डालते हैं, वो लड़के जो अपनी वाइफ के मुकाबले में बराबरी की नौकरी कर रहे हैं और वाइस वर्सा, कि वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के बराबर जॉब कर रही हैं और लगभग बराबर सैलरी भी लेती हैं, जब वो इंडियन सर्कमस्टांसेस में रहते हैं जहाँ पर उनके माँ बाप साथ हैं, वहाँ पर उनको एडजस्टमेंट करनी बड़ी मुश्किल लगती है। जबकि वही लड़के अगर बाहर जाके सेटल हो जाते हैं तो उन एनवायरनमेंट में वो बराबर का काम भी कर लेते हैं जी, उस ऑड काम को भी कर लेते हैं जो हिंदुस्तान में करने से उनको तकलीफ महसूस होती है जी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब ज़माना वो आ गया है कि ये बात छोड़ के कि भाई हमारे माँ बाप क्या समझेंगे, हमारे रिश्तेदार भाई बहन इसको हमारी कमज़ोरी समझेंगे जी। हम अपने वाइफ्स की पार्टनर्स के तौर पर मदद नहीं करते, हाथ नहीं बटवाते, जबकि विदेशों में जाकर वही सारे काम हम करते हैं। तो ये जो हमारे ईगोज के बड़े फिक्टिशियस किस्म के फैक्टर्स अराइज हो जाते हैं, इनको भी हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए और जागरूक होना चाहिए जी। देखिए सर, ऐसा है कि देश काल परिस्थिति, हम जिस देश में जाते हैं हम उस तरह का खाना खाते हैं और उसी समय उसी तरह के कपड़े पहनते हैं, उसी तरह हम सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। हमारे ही देश के लोग जब विदेश में जाते हैं तो उनको पता है कि सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकना। अगर हमने फेंक दिया तो हमारा चलान हो जाएगा। क्या वो डंडे का जोर है, क्या वो प्रेशर है कि हाँ मेरे ऊपर पैसे फाइन लग जाएगा और मैं इसलिए नहीं फेंकूं, या वहाँ की सोसाइटी ने भी इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया कि अगर हस्बैंड किचन में काम कर रहा है तो वो उस चीज को बुरा नहीं मानते। बिल्कुल, हमारी सोसाइटी कहती है कि बेटा काम कर रहा है और बहू आराम से बैठी है, या बहू काम कर रही है और बेटा आराम से बैठा है, तो दोनों ही चीजों को हमारी सोसाइटी को भी बदलने की जरूरत है। जब दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों अपने घर को बैलेंस करने के लिए, अगर एक किचन में और दूसरा बाकी काम कर रहा है, कोरोना के टाइम में किसने नहीं किया? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी किया, डॉक्टर्स ने भी किया, सबने किया। बिल्कुल ठीक, तो वो सिचुएशन थी। और अभी भी मैं देश काल परिस्थिति इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं इतने देशों में गई हूँ और वहां पर कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। कूड़ा उठाना है तो वो भी हस्बैंड भी जाके दे सकता है, वाइफ भी दे सकती है, बच्चे भी दे सकते हैं, मदर भी दे सकती है। ठीक, और अगर घर में कुकिंग करनी है, ग्रोसरी लानी है, कुछ भी काम है तो सब मिलके करते हैं। और मिलके जाते हैं, लेके आते हैं, फिर अपनी अपनी चीजों को अपनी अपनी जगह प्लेस कर देते हैं कि ये चीजें मुझे रखनी है। घर की सफाई, मेरा अपना बेटा जब इंडिया में था तो उसको एक हैबिट थी कि मुझे ग्लास पानी जो सर्वेंट है वो आके देगा। मैंने 12th करते ही एक ऐसा समझा, उस समय ईश्वर ने मुझे वो बुद्धि दी कि इसको अब ये डिपेंडेंट बहुत हो चुका है, 12th तक इसने ये सारे चीजें की हैं। तो मैंने उसको विदेश भेजा पढ़ने के लिए और मैं आज की डेट में आई एम थैंकफुल टू गॉड, वो बच्चा वहाँ पे लॉन्ड्री भी करता है और ग्रोसरी भी लाता है और उसको एक एक डॉलर बचाने के लिए वो दूर जाता है कि मेरे को यहाँ सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, सफाई भी कर रहा है, घर भी साफ कर रहा है, बर्फ भी हटाता है, घास भी काटता है, तो क्या वो कुछ छोटा नहीं हुआ? मैं समझती हूँ कि वो आज ज्यादा समझदार हो गया है, मैच्योर हो गया है और उसको मैंने इस तरह के माहौल से निकाला कि जहाँ मेल और फीमेल के अंदर किसी तरह का काम करने में कोई फर्क पड़ता है या ईगो आ जाती है नहीं। और ये हमारे सोसाइटी को, हमारे परिवारों को समझने की ज़रूरत है कि जितना बेटा इम्पोर्टेंट है उतनी बेटी भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बहू के रूप में है, चाहे माँ के रूप में, चाहे बहन के रूप में। मैं यहाँ पे कुछ जोड़ना चाहूँगी क्योंकि मेरी भी बेटी और बेटा दोनों ही हैं जी, तो मैंने शुरू से ही कोशिश करी है कि मैं भी वर्किंग हूँ कि दोनों को सब कुछ आए। मेरा बेटा छोटा है, बेटे को शौक बिल्कुल नहीं है किचन में, लेकिन उसको आता है पर वो इनिशिएटिव नहीं लेती है,
और बेटा है वो छोटे से ही 6 क्लास से ही वो सब कुछ बनाता है, लेकिन जब भी कोई रिलेटिव आते थे तो जैसे मेरे हस्बैंड ने कभी तारीफ कर दी कि तू कुक है, बहुत अच्छा बनाता है, तो शेफ बनाना है इसको, मतलब इस तरीके की मानसिकता है, तो वो कहता है भाई शेफ नहीं बनना है, मुझे अच्छा लगता है खिलाना। यस तो अक्सर हमारे यहाँ पे ना मुझे लगता है कि जोड़ा जाता है काम को, और उसको बहुत अच्छा लगता है खाना फिक्स कर दिया है, फिक्स ये कर मेल दिया करेगा, है। ये फीमेल एग्जैक्टली करेगा, तो वो एग्जैक्टली फिक्सेशन नहीं होनी फिक्सेशन नहीं चाहिए। होनी चाहिए। और अब मेरे तो पूरा क्लियर है ये, मैं स्पष्ट हूँ कि आना तो चाहिए, ऐसा नहीं आप किसी पे आना नहीं, निर्भर करना है, भी करना भी चाहिए, चाहिए, पर करना भी चाहिए। जैसे बार बार अगर उसका मन कर रहा है कुछ बनाने को और उसका मन नहीं कर रहा है बेटी का, तो जी ऐसे मतलब इम्पोज नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम्हें किचन में होना चाहिए भाई। पहले ऐसे ही होता था कि भाई क्यों कर रहा है, तब ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत हमारी समाज में हैं, और हमें अपने घर से शुरू करना पड़ेगा ये सब। यस यस तो आज जो मेरा मेन सबको एक मैसेज मैं देना जी चाहती जी हूँ कि जी रिश्तों को बैलेंस करिए, यस ईगो अपनी हटा दीजिए, अगर हम एक और एक मिलके 2 नहीं 11 बन जाए तो हम एग्जैक्टली आगे बढ़ सकते हैं, पति यस पत्नी भाई बहन। और हम अपनी लाइफ में एक चीज़ बचपन से सुनते थे कि तुम किससे हारना चाहते हो, मैं ये समझती हूँ कि हम और किसी से नहीं, अपने किसी कॉम्पिटिटर से नहीं, अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो हमारे से आगे निकले, हमारे से अच्छा करें, हम उनसे हारना चाहेंगे, ठीक क्योंकि अगर वो आगे निकल गए इसका मतलब हमने उनको अच्छा ज्ञान दिया, अच्छी परवरिश दी, जो वो हमारे से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक मेरे बात पास मुकेश जी ऐसे लोग आते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो हैं ड्रग्स लेते हैं और हम परेशान हैं, ये बच्चों की बात बता रही हूँ मैं ओके आपको, तो वो ओके बोलते हैं कि मैम आप हमें तो काउंसलिंग दे रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को कौन देगा। तो मैंने बोला कि आप कंफर्म है आपको कि पेरेंट्स ऐसा करते हैं, बोले हाँ, मैं गया तो मेरी मम्मी बाथरूम में स्मोक कर रही थी। तो ओके मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनसे मिलूंगी, उनसे बात करूंगी, और मैं उनसे मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या आपके पास पैसा आ गया यही आपकी सफलता है, या ये सफलता है कि हमारे बच्चे भी कल को हमें देख के हमारे से ज़्यादा एक नहीं चार पीनी शुरू कर दे सिगरेट। तो जब मैं उनसे ये बात करती हूँ, उनको बताती हूँ, मैं स्लोली उनका माइंड चेंज करती हूँ, उनके पेरेंट्स को भी ठीक करने की कोशिश करती हूँ कि वो राइट डायरेक्शन में आए, अपने मन को शांत करने के लिए सिगरेट नहीं किसी ग्रंथ का सहारा ले लो, किसी यस अच्छी तरफ लग जाओ, जितनी चैरिटी कर सकते हो करो। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन खाली समय में क्या करें, मैं समझती हूँ कि आज के टाइम में इतने काम हैं, अगर आप करना चाहते हो, आप सोशल सर्विस देना चाहते हो, चले जाइए किसी भी एनजीओ में जाके थोड़ा टाइम दीजिए। मेरे एक जानकार हैं, वो अंध विद्यालय में जाती हैं, बहुत अच्छा है उनका फाइनेंशियली सेटअप, वो अंध विद्यालय में जाके, लड़कियों का अंध विद्यालय है मेरे घर के पास है, वो जाके 55 गर्ल्स हैं वहाँ पे, उनको सुबह जाके नहलाती हैं, नहलाने के बाद उनका सारा जो काम होता है कपड़े पहनाना सब, उनको तैयार करना सब करके आती हैं। तो मैं समझती हूँ कि इससे बढ़िया आपका कर्म क्या होगा, कि आपने धन तो है यस लेकिन क्या उस धन का कहीं सही इस्तेमाल किया। जब आप ऐसी सेवा में लग जाते हो तो धन तो आ ही रहा है, आपके कर्म भी कट रहे हैं, आपके बच्चे भी उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि मेरी मदर ने ये जो किया मैं 10 साल से देख रहा हूँ, कि वो रोज़ सुबह जाती है, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरी मदर वहाँ जाती हैं, उन बच्चों की हेल्प करती हैं। तो ये हमारे अंदर से हमारे बच्चे लेते हैं, सीखते हैं। तो अभी मैं समझती हूँ कि सभी को मैं एक मैसेज दूंगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोग अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश कीजिए, बच्चों की बात को सुनिए, जहाँ भी रिश्ता बिगड़ रहा है कम्युनिकेशन जो है वो जब बंद हो जाता है तो रिश्ते बिगड़ने बिगड़ते शुरू हैं। हो जाते हैं। तो यस रिश्तों को निभाना है तो पहले उनको सुनो, समझो, गैप मत बनाओ, डिस्कस करो कि प्रॉब्लम है कहाँ, और ये रिश्ते सुधारे जा सकते हैं, इन रिश्तों को बचाया जा सकता है। थोड़ी सी समझदारी चाहिए, थोड़ी सी कंसल्टेंसी चाहिए, थोड़ा सा ऐसा माहौल चाहिए कि जहाँ हम बैठ के इन चीज़ों को डिस्कस करें, उनके दर्द को समझें और उस दर्द की दवा दें, दवाइयाँ नहीं, सुन के हम उनको काउंसलिंग दे के उनको हम दवा दे सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी इस विषय पे। तो श्रोताओं, ये थे मैडम प्रीति शर्मा, जिन्होंने इस बात पर खुल के प्रकाश डाला कि किस तरह से अध्यात्म नोट्स के साथ हम लोग बहुत सी समस्याओं का हल कर सकते हैं
और आप में से भी अगर कोई ऐसी कोई निजी समस्या भी जानना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं रेडियो भूस के साथ, या आप चाहें तो मैडम प्रीति के साथ सीधा संपर्क करके भी उनसे बात कर सकते हैं। मैडम आप अपना फ़ोन नंबर बोल दीजिए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9873956848। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम मैडम प्रीति का आभार व्यक्त करते हैं और हम दोनों की तरफ से इस बात का प्रयास रहा कि हम मैडम से बातचीत करें और आपके हित में जो भी बात पूछी जा सकती थी वो हम पूछें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैडम का आभार प्रकट करते हुए और आपका भी शुक्रिया करते हुए हम आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।